यो सब करने की जरूरत नहीं आपको, आराम करो। शिवा, मेरे तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तूने मुझे सारे काम वालों से बचाया, तूने सबके सामने मुझे अपनी पत्नी माना। वो मैंने इंसानियत के नाते किया है, आपकी जगह और कोई भी होता ना तो भी मैं यही करता। और रही बात आपने अपनी पत्नी मानने की, तो साफ साफ सुन लो, तो मैंने आज तक आपको पत्नी की नजर से देखा ही ना है और ना ही कभी देखूंगा। ना पत्नी की नजर से देखा, ना पत्नी माना, तो शादी क्यों की? और ये मंगलसूत्र, ये क्यों पहनाया? ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो इससे ब्याह करना पड़ा? मैंने क्या किया, क्यों किया, यो सब पूछने का हक आपने बिल्कुल नहीं है, इसलिए चुप रहो तो बेहतर होगा। बिल्कुल हक नहीं है, लेकिन इसे तो हक है ना। ये तो बहन है तेरी, तूने क्यों नहीं पूछा अपने भाई साहब से? तुझे तो पता है तेरे भाई साहब जो भी करते हैं तेरे चेहरे पे एक मुस्कान देखने के लिए करते हैं, तो तूने कैसे नहीं पूछा? लाडो, इनकी बातों पे ध्यान मत दे, ये तुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेंगी, दिमाग के साथ खेलेगी, तू जानती है ना। देख सुन, बापू साहब को भी इन्होंने ऐसे ही अपनी चाल में फंसाया था और मुझे भी अपनी चाल में फंसा कर ही ये मजबूरी की शादी में डाला है, ठीक है? सुन। अरे बस बहुत हुआ, आप चलो, बहुत हो गया। मैं क्यों निकलूं यहाँ से? रसाल, कभी अपने भाई साहब से पूछा है कि तेरे बापूसा की मौत कैसे हुई थी? क्यों नहीं पूछा तूने? ये तुझे कभी बताएगा भी नहीं। नहीं बताया ना तो मुझसे के पूछना, मैं बताऊंगी तुझे। आप चलिए, मैं बताऊंगी सब कुछ। चलिए मेरे पास आना, सच्चाई छुपा के रखी इसने तुझसे। चलो रसाल, पूछ लेना इससे। निकलो। मेरी बहन इस वक्त बहुत ही नाजुक हालत में है, इसलिए अगर जुबान से एक भी शब्द और निकाला ना तो दुनिया से नामो निशान मिटा दूंगा। आज तो तूने रोक लिया, लेकिन कब तक रोकेगा? कब तक अपनी बहन की ढाल बना रहेगा? क्या होगा शिवा, अगर रसाल के दिल में मेनका के लिए शक के बीज पैदा हो गए तो फिर हम उसे सारी सिचुएशन कैसे समझाएंगे? कैसे बताऊंगा कि मेरा और मेनका के? समर साहब, कुछ भी हो जाए मैं आपकी और रसाल की गृहस्थी को टूटने नहीं दूंगा, आप बस चुप रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लड़कों को देख के आता, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आजा आजा आजा, आराम से आराम से। तू अभी तक चकोरी मासा की बातों को लेके बैठी है क्या? जानती ना है कि वो कितनी बड़ी झूठी औरत है, भी से ना बचपन से हमारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रही है, कुछ तो सोच। अगर ऐसी बात है तो मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए, कह दीजिए कि चकोरी मासा ने जो कुछ भी कहा वो झूठ है। नहीं खाऊंगा कसम, क्यों खाऊं? जब तुझे उस चकोरी मासा की बातों पे अपने भाई से ज्यादा भरोसा है तो मैं तेरी कसम क्यों खाऊं? क्या बोले कसम का? रहने दे, मैं आता हूं। गलती हो गई भाई साहब, मैं जानती हूँ
आप मुझसे कभी झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, आप तो मुझसे कुछ ना छुपाएंगे, है ना? लाडू तो खुद बता कि अरे भाई साहब ने आज तक थारा भरोसा तोड़ा है? नहीं तोड़ा ना, तो इसलिए तू अब फालतू की झूठी बातों में मत आ, इसलिए दिमाग लगाना छोड़ दे और आराम कर, खुश रह, अच्छी बातें सोच। रुक, भाई साहब खुद तेरे लिए कुछ अच्छा खाना लेके आएगा, मुझे पता तू क्या खाना पसंद करेगी। ओए, तेरे भाई साहब सही कह रहे हैं, अभी ना तुझे सिर्फ खुश रहने की जरूरत है, फालतू का स्ट्रेस मत ले, भरोसा रखना अपने भाई पे। सच बोलते हुए आज तक मेरे भाई साहब की नजर कभी झुकी नहीं, इसका मतलब चकोरी माँ से जानती है कि मेरे बापू सा की मौत कैसे हुई। अब मैं पता लगा के रहूंगी कि क्या हुआ था मेरे बापू सा के साथ।